आज मैं आपके साथ एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक शेयर करूंगी, तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 गिलास पानी गैस पे चढ़ाया है और इसको जब बॉयल आएगा तब मैं इसमें साबूदाना 1 कप ऐड करूंगी ताकि ये स्लो हीट में पकते रहें और ये इनका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए। तब तक हम ना जेली बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने 2 तरह की जेली ली हुई है, आपको जो जेली पसंद हो आप ले सकते हैं, इसकी इंस्ट्रक्शंस तो उसमें लिखी होती है। 1 पैकेट के लिए हमें 3 कप पानी लगेगा। साथ साथ में मैं अपना साबूदाना को भी चेक कर रही हूँ और ये जो मैंने पानी चढ़ाया है ये 6 कप पानी चढ़ा दिया है उबालने के लिए। अब हमने ना अपना साबूदाना भी चेक करना है साथ साथ में, और जब ये पानी बॉयल होगा तो अब इसको हमने बंद भी कर देना है ठंडा करने के लिए। तब तक हम एक खाली कप में 1.5 टीस्पून बेजल सीड ऐड करेंगे, जिसको हम सब्जा भी बोलते हैं हिंदी में, और इसमें हम नॉर्मल वाटर इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएँ। और ये ज़्यादा टाइम तो लेते ही नहीं फूलने में और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। गर्मियों में अर्ली मॉर्निंग इसको पानी के साथ भी लेना चाहिए, बहुत हेल्दी होते हैं। तब तक हम अपना जो साबूदाना है उसको छान लेते हैं और इसको हम ठंडे पानी से भी धो के साइड पर रख देंगे। अगर चाहें तो इसमें ठंडा पानी ऐड करके आप रखें जब तक आपकी रेसिपी बन रही है, ताकि वो जुड़े ना। तब तक मैं अपनी जेली प्रिपेयर करूँगी और उसके लिए मैंने पहले पाइनएप्पल जेली बनाई। इसमें जो 2 सैशे मिलते हैं उसको मैंने ऐड किया इस बर्तन में और पहले इसके जितने लम्ब्स हैं उनको मैंने दबा दबा के पहले प्रॉपरली मिक्स किया। और अब जो हमने पानी गर्म करके ठंडा रखा था वो अब हम 3 कप इसमें ऐड करेंगे। अब हम स्ट्रॉबेरी जेली को भी इसी तरह से पहले पैकेट से खाली करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्ब्स ना पड़े। और वही पानी जो हमने 3 कप गर्म करके रखा था और ठंडा किया था वो फिर से इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके दोनों जेलीज को फ्रिज में 1 से 2 घंटे तक हम इसको रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। और ये अब देखिए अच्छे से जम चुकी हैं और अब हम सब इसको असेंबल करेंगे। सबसे पहले तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट, जो मेरा बेजल मैंने रखा हुआ था वो भी अच्छे से फूल गया है, और जो साबूदाना है उसको भी छान लेना है, और जो अपने जेलीज हैं उनको भी हमने चाकू से काट के छोटे छोटे स्क्वेयर्स बना लेने हैं। और एक बर्तन में मैंने 2 कप के करीब दूध लिया है, ये उबला हुआ ठंडा दूध। अब इस दूध में मैंने 2 से 3 चम्मच कंडेंस मिल्क के डाले हैं। अब इसको अच्छी तरह हिलाने के बाद हम इसमें रूह अफ़ज़ा भी ऐड करेंगे, और मैंने इसमें 2 कड़छी भर के रूह अफ़ज़ा डाला है क्योंकि जब हम इसको इसमें हम आइस ऐड करेंगे तो इसका जो मीठापन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये ठंडा ठंडा और मीठा ही अच्छा लगता है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। अब एक जग में हम पहले ढेर सारी आइस डालेंगे और उसके बाद जो हमने साबूदाना भिगो के रखे थे वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, बेजल्स भी ऐड कर लेंगे, और अब इसके बाद जो हमने जेली काट के रखी है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब मैं येलो वाली जेलीज को भी उठा रही हूँ, अब इनको भी मैं ऐड करूँगी, और बस जो हमने दूध बना के रखा है वो अब हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से एक बार हिला लेंगे ताकि ये सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक बच्चों से लेके बड़ों को बहुत ही पसंद आने वाला है, आप सभी ये गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे इस नए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे हिम्मत मिलेगी ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। ये रेसिपी आप गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ड्राई फ्रूट में मैंने बारीक कटा हुआ बादाम और पिस्ता ऐड किया है, आपको जो भी पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हो ड्राई फ्रूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।